नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रुद्रांश गोस्वामी। ऐसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे नरसिंहपुर जिले के एक छोटे से गांव में, नवल गांव में, हमारे बागेश्वर सरकार जी, जो कि 6 जून से उनका दिव्य दरबार लगने वाला है। तो अभी आज 4 तारीख है, अभी सिर्फ 2 दिन बाकी है, तो हम लोग चलते हैं आज नवल गांव। अभी मैं फ़िलहाल खड़ा हूँ करेली में, तो हम लोग चलते हैं नवल गांव और देखते हैं कैसी क्या तैयारी है। और बहुत ही बड़ा वहाँ पे दिव्य दरबार लगने वाला है, बहुत सी तैयारियाँ चल रही होंगी वहाँ पे। और आज हम आप सभी लोगों को अजय भैया से ही मिलवाएंगे, जो कि इस इतने बड़े प्रोग्राम को करवा रहे हैं। तो चलते हैं हम लोग नवल गांव और बने रहिए आप लोग ब्लॉग में। तो चलिए हमारे साथ में, धन्यवाद। देखिए आप सभी लोग, हम लोग पहुंच चुके हैं अभी नवल गांव के अंदर। तो ये देखिए, आपको दिख गई होगी ये निशानी, देखिए ये झंडा लगा है, ये देखिए। तो हम लोग आ गए नवल गांव के बस बाहर, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है नवल गांव। तो चलते हैं हम लोग अंदर। तो देख सकते हैं आप लोग, हम लोग आ चुके हैं उसी स्थल पर जहाँ पर हमारा दिव्य दरबार लगने वाला है। तो इतनी शानदार यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं, सभी लोग जुटे हैं भैया तैयारियों से। और देख सकते हैं आप सभी लोग, यहाँ पे होगी भागवत यहाँ पे स्टेज के सामने। तो आइए हम आपको बताते हैं कैसे क्या है। रहेगा मेन पंडाल और यहाँ पे बाजू में भी एक पंडाल, और एक पंडाल है इस साइड। यहाँ पे 3-3 पंडाल बने हैं। स्टेज है वहाँ पे, बहुत दूर है, मतलब बहुत ही बड़ा पंडाल है। ये स्टेज है यहाँ पे और ये मेन पंडाल रहेगा, और ये है साइड वाला पंडाल। ये देखिए साइड वाला पंडाल कितना बड़ा है, ये भी बहुत बड़ा है। और देख सकते हैं आप सभी लोग, और ये रहेगा हमारे गुरुजी का स्टेज जहाँ पे गुरुजी बैठेंगे। ये है हमारे गुरुजी का स्टेज। ये देख सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं आप सभी लोग हमारे, हमने आपको बताया कि बहुत ही बड़ा पंडाल लगा है, जो कि यहाँ पीछे साइड है। ये बहुत ही बड़ा पंडाल लगा है यहाँ पर, जो है लगेगा यहाँ पर गुरुजी बैठेंगे और हम सभी लोग बैठेंगे। और इसी के जस्ट सामने जहाँ पर हम सभी श्रद्धालुओं की, जो कि मतलब 5-6 दिन यहीं से रुकेंगे, दूर दूर से लोग आएंगे, तो मतलब सभी श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर भोजन की व्यवस्था रखी गई है, जो कि भोजन प्रसादी रहेगी यहाँ पर। ये पीछे टेंट लगा है, यहाँ पर भोजन प्रसादी होगी। तो आइए हम लोग आपको भोजन प्रसादी की जगह भी बताते हैं। ये सामने पंडाल है और ये भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा पंडाल है, यहाँ पर कम से कम 10-15 हज़ार लोग एक बार में बैठकर मतलब भोजन प्रसादी ग्रहण कर सकते हैं। और यहाँ पर ऐसी व्यवस्था बनाई गई है जहाँ की मतलब 1.5 से 4 लाख के लगभग लोग बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बड़ा भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, आप सभी लोग ज़रूर आएँ। तो आइए हम लोग और चलते हैं, हमें आगे साइड भी बहुत ही सारी तैयारियाँ हैं। तो आइए हम आप सभी लोगों को बताते हैं सब कुछ, बने रहिए ब्लॉग में। देख सकते हैं आप सभी लोग, नगर पालिका का और सरकारी सभी कर्मचारियों का मतलब बहुत ही अच्छा सहयोग मिल रहा है। और यहाँ पर मतलब
इमरजेंसी में हमारी मतलब फायर ब्रिगेड और हमारी 108 जो कि एम्बुलेंस रहती है और हमारी पानी का भी बहुत ही शानदार उत्तम व्यवस्था है। तो आप सभी लोग भी आएं और एक बार ज़रूर देख कर जाएँ और 6 तारीख से 10 तारीख तक जो कि हमारा दिव्य दरबार लगने वाला है उसमें तो आप सभी लोग ज़रूर आएँ। तो जय। और देख सकते हैं आप सभी लोग, जैसे कि सामने आपको देखना होगा वहाँ पर बहुत ही शानदार बहुत ही ज़्यादा बड़ा मेला लग रहा है। देखिए हम आपको बताएं, यहाँ पर ये देखिए यहाँ से दिख रहा है थोड़ा थोड़ा यहाँ पर। तो आइए हम लोग यहाँ पे आपको लेके चलते हैं, यहाँ पे कैसा क्या है हम आपको बताएं। तो चलिए था कि देखा आज सभी लोगों ने यहाँ पर बहुत ही शानदार मेला भी भर रहा है। यहाँ पे बच्चों के खेलने के मतलब घूमने के झूले हैं, मतलब कई कई प्रकार की खाने की डिशेस हैं और मतलब कई चीज़ों की दुकानें हैं और सामने हमारा पंडाल है। तो बस इतना ही यहाँ पे अभी तो, और अभी जोरों तोरों से और ज़्यादा तैयारियाँ लगी हैं। तो हम लोग अभी आएंगे सीधे 6 तारीख को और हमारी जो कि बहुत ही बड़ी शोभा यात्रा रहेगी वो भी रहेगी 6 तारीख को, क्या 5 तारीख को या 6 तारीख को आएगी। तो हम लोग उसमें भी शोभा यात्रा में भी शामिल होंगे। तो आप लोग भी आइए एक बार यहाँ पर और आप लोग भी मतलब दर्शन करके जाइए। तो बने रहिए और आगे हम लोग आपको ब्लॉग डालते जाएंगे, मतलब वीडियो डालते जाएंगे। तो जय बागेश्वर धाम, जय बागेश्वर प्रधान। हम वीडियो को ख़त्म करते हैं।